नमस्ते बच्चों बच्चों आज हम प्राथमिक में हमारा देश पार्ट पाँच पढ़ेंगे टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द लेसन फाइव हमारा देश फ्रॉम द प्राथमिक बुक हमारा देश आवर कंट्री हमारा देश भारत है सो आवर कंट्री इज भारत इंडिया यह बहुत पुराना और पवित्र देश है सो दिस इज़ वेरी एशियन एंड अ ऑस्पिशियस कंट्री हमारा देश भारत है हिमालय हमारे देश के उत्तर में हिमालय पहाड़ है सो इन नॉर्थ वी हैव हिमालय माउंटेन हिमालय पहाड़ दक्षिण में इंद महासागर है इन साउथ इट इज़ इंडियन ओशन पूरब में बंगाल की खाड़ी है पूरब मीन्स इन ईस्ट वी हैव बे ऑफ बंगाल और पश्चिम में अरब सागर है एंड इन वेस्ट वी हैव अरेबियन सी हमारे देश के उत्तर में हिमालय पहाड़ है दक्षिण में हिंद महासागर है पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है हमारा देश ऋषियों मुनियों और महात्माओं का देश है हमारा देश ऋषियों मुनियों और महात्माओं का देश है आवर कंट्री इज द लैंड ऑफ सेजेस एंड महात्मास आवर कंट्री इज द लैंड ऑफ सेजेस एंड महात्मास हमारा देश ऋषियों मुनियों और महात्माओं का देश है भगवान राम कृष्ण बुद्ध महावीर ये सब भारत माता के सपूत हैं सपूत सन सो लॉर्ड रामा कृष्णा बुद्ध महावीरा दे आर ऑल द सन्स ऑफ मदर इंडिया भगवान राम कृष्ण बुद्ध महावीर ये सब भारत माता के सपूत हैं राणा प्रताप वीर शिवाजी लक्ष्मी भाई महात्मा गांधी ये सभी महापुरुष यहीं पैदा हुए हैं सो राणा प्रताप वीर शिवाजी लक्ष्मी भाई महात्मा गांधी ऑल दिस ग्रेट मैन आर बॉर्न हियर सो दिस आर दे आर द बॉर्न इन इंडिया दिस ग्रेट मैन आर बॉर्न हियर हमारे देश की संस्कृति बहुत पुरानी और महान है सो so, हमारे देश की संस्कृति मीन्स द इंडियन कल्चर वेरी ओल्ड एंड ग्रेट सो इट इज़ वेरी एशियंट पुरानी मीन्स ओल्ड महान है महान मीन्स ग्रेटेस्ट हमारे देश की संस्कृति बहुत पुरानी और महान है द कल्चर ऑफ इंडिया इज़ वेरी ओल्ड एंड ग्रेट हमारी भाषाएँ बहुत पुरानी है और साहित्य उच्च कोटि की हैं हमारी भाषाएं मीन्स आवर लैंग्वेज आर वेरी ओल्ड एंड लिटरेचर इज़ ऑफ हाई क्वालिटी सो हमारी भाषाएं बहुत पुरानी हैं और साहित्य उच्च कोटि की हैं आवर लैंग्वेजिजस आर वेरी ओल्ड एंड लिटरेचर इज ऑफ हाई क्वालिटी सभी प्रकार के शास्त्रों के निर्माण में हमारा देश हमेशा अग्रणी रहा है अवर कंट्री इज़ इन क्रिएशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्क्रिप्चर्स द कंट्री हैज़ ऑलवेज बीन इन द फो सभी प्रकार के शास्त्रों के निर्माण में हमारा देश हमेशा अग्रणी रहा है अग्रणी मीन्स इट इज़ इन द लीड सो करीब 300 साल हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा सो so, नियरली 300 हंड्रेड ईयर्स अवर कंट्री वॉज अ स्लेव ऑफ द ब्रिटिश सो करी 300 साल हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा नियरली 300 हंड्रेड ईयर्स अवर कंट्री वॉज अ स्लेव ऑफ द ब्रिटिश देश के सपूत नेताओं के अतक परिश्रम और त्याग से सन उन्नीस में भारत आज़ाद हुआ सो देश के सपूत सो द टायरलेस हार्डवर्क ऑफ द लीडर्स ऑफ द कंट्री एंड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947 फोटी सेवन सो देश के सपूत नेताओं के अतक परिश्रम इज टायरलेस वर्क टायरलेस हार्डवर्क और त्याग सो सेक्रिफाइज से सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ सो द इंडिया गेट इंडिपेंडेंट इन नाइन्टीन फोटी सेवन सपूत नेताओमी लीडर्स हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक देश है हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक देश है और कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री अ कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है हमारे देश में सभी धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं हमारे देश में सभी धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस एंड कैस लिव इन अवर कंट्री हमारे देश में लोग कई भाषाएं बोलते हैं पीपल स्पीक मेनी लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री कई भाषाएँ मेनी लैंग्वेजेस बोलते हैं मीन्स स्पीक पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री हमारे देश में लोग कई भाषाएं बोलते हैं फिर भी हम सब आपस में मिल कर रहते हैं हम सब के अधिकार समान हैं मिल कर रहते हैं येट वी ऑल आर लिव टुगेदर वी ऑल हैव द सेम राइट्स अधिकार मीन्स राइट्स फिर भी हम सब आपस में मिलकर रहते हैं हम सब के अधिकार समान हैं येट वी ऑल लिव टूगेदर वी ऑल हैव द सेम राइट्स हमारे अधिकार समान हैं फिर भी हम आपस में मिलकर रहते हैं हम सब के अधिकार समान हैं हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है सो द नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री इज द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडा तीन रंगा ट्राई कलर हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है गण मन हमारा राष्ट्रगान है सो गण मन इज आवर नेशनल एंथम जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है धन्यवाद so, बच्चों